अच्छा आरक्षण के विभिन्न आयामों पर जारी चर्चा के छठे पार्ट में आप सबका स्वागत है। मैंने कल समाप्त करते हुए आपको बताया था कि विभिन्न इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री से लेकर श्रम मंत्रियों के पत्र और ऑफिस मेमोरेंडम्स 80 से लेकर 86 तक जो निकले उनका जिक्र मैं करूंगा। उसमें से मैंने 4 अगस्त 80 का आपको कल परसों पूरा जो एग्रीमेंट हुआ था वो सुनाया था। आज मैं शुरुआत 14 जून 1980 का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने सभी डिपार्टमेंट्स और चीफ मिनिस्टर्स को पत्र भेजा था। 16 मार्च 80 के आंदोलन से प्रारंभ हुए आंदोलन और उसके बाद लगातार चर्चाओं के परिणाम स्वरूप मैं आपसे सबसे पहले उसी को साझा करूंगा। ये पत्र इंग्लिश में है इसलिए मैं साथ साथ आपको इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ के फिर हिंदी भी बताता चलूंगा। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दी अनसेटिस्फेक्ट्री सिचुएशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड पर्संस बाय वेरियस ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन जनरल। मैं यह पत्र आप सबका ध्यान जो असंतोषजनक स्थिति है दिव्यांगजनों की रोजगार की सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में और सार्वजनिक उपक्रमों में सामान्य रूप से उसकी ओर खींचना चाहती हूँ। ऑल्दो देयर आर स्पेसिफिक ऑर्डर्स रिजर्विंग 3% ऑफ वैकेंसीज इन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट इन ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसेज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर द हैंडीकैप वेरी फ्यू ऑफिसेज हैव टेकन स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दीज ऑर्डर्स। यद्यपि 3% आरक्षण का सभी पदों पर सभी नहीं बल्कि 3% आरक्षण पदों पर दिव्यांगों के लिए ऑफिस ऑर्डर्स के माध्यम से निर्धारित किया गया है लेकिन बहुत कम कार्यालयों ने इन ऑर्डर्स को कार्यान्वित किया है। द सिचुएशन इज इवन ग्रेवर विद रिगार्ड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्लाइंड। दृष्टिबाधितों के संबंध में यह स्थिति और भी गंभीर है। वी हैव बीन एबल टू प्लेस ओनली अबाउट 1200 ब्लाइंड पर्सन्स सो फार थ्रू अवर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इवन दो मेनी ऑफ देम हैव बीन स्पेशली ट्रेन्ड इन ए वेराइटी ऑफ स्किल्स एंड गिवन द राइट जॉब कैन वर्क एज वेल एज एबल बॉडीड पर्सन्स। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के माध्यम से अब तक केवल 1200 लोग दृष्टिबाधित जॉब पर लगे हैं। यद्यपि वे कई स्किल्स में ट्रेंड हैं और अगर उनको मौका दिया जाए तो किसी भी सामान्य व्यक्ति से के बराबर काम कर सकते हैं। देयर सून सीम्स टू बी ए डीप रूटेड एंड मिसकंसीव्ड बिलीफ प्रेवलेंट दैट दी ब्लाइंड कैन बी पुट टू कैन नॉट बी पुट टू एनी यूजफुल वर्क इन ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज एंड शुड फाइंड प्लेस ओनली इन चैरिटेबल होम्स। यहाँ पर एक ऐसा प्रतीत होता है कि दृष्टिबाधितों के लिए यह
गहरी धारणा व्याप्त है समाज में कि वो कोई यूजफुल काम नहीं कर सकते ऑफिस और फैक्ट्रीज में, और उनकी जगह केवल चैरिटेबल होम्स में. सच नोशंस नीड टू बी फर्मली डिस्पेक्ट. इस तरह की जो धारणा है इसको पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति के साथ इसको समाप्त करना होगा. When properly trained, blind are excellent in a number of jobs. जब उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो दृष्टिबाधित बहुत से कामों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. The section of the population has long been neglected. यह हमारी हमारी जनसंख्या का यह वर्ग बहुत समय से उपेक्षा झेल रहा है. We have expressed out genuine sympathy of them for them, but practice leaves much to be desired. हमने समय समय पर इनके प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त की है, लेकिन उनके संबंध में काम करने की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द रिजर्वेशन ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑफिसेस. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकतर कार्यालयों में आरक्षण के आदेशों का कार्यान्वयन नहीं किया गया. इट शुड बी पॉसिबल फॉर वन और टू senior officers within your ministry to make a quick comprehensive survey of jobs in the ministry and all attached subordinate offices, public sector undertaking and various other bodies under the ministry which the blind and other handicapped persons can do. यह संभव है कि आप एक या दो अधिकारियों को नियुक्त करें जो शीघ्रातिशीघ्र अपने संबंधित विभाग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब सर्वे करके उन जॉब्स को चिन्हांकित करें, उनकी पहचान करें जो दृष्टिबाधित और दिव्यांग दोनों आसानी से कर सकते हैं. यू कुड टेक द असिस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन दिस मैटर. इस कार्य में आप श्रम मंत्रालय की मदद ले सकते हैं. The National Institute for Visually Handicapped should also be associated with this task. NIVH को भी इस काम से जोड़ा जा सकता है. Although under existing rules, reservation applies to only Group C and D posts. If there are Group A and B jobs which can be filled up by blind, they should also be identified. यद्यपि आरक्षण केवल ग्रुप सी और डी में है, लेकिन यदि ऐसे भी कुछ जॉब्स हैं जो ग्रुप ए एंड बी में फॉल करते हैं और ब्लाइंड उनको कर सकता है, तो उनकी भी पहचान की जानी चाहिए. वंस द जॉब्स आर आइडेंटिफाइड दे कैन फिल्ड अप from among the blind and also other handicapped persons such as the deaf and orthopedically handicapped. ek baar agar un jobs ka un posts ka identification ho jaye to un jobs par jinka identification hua hai unko fill up karne ke liye unko blind ya dusre हैंडीकैप जैसे डेफ और ऑर्थोपेडिकली उनसे हैंडीकैप उनसे भरा जा सकता है. द एंटायर एक्सरसाइज शुड नॉट टेक मोर देन 3 months. ये जो जॉब चिन्हांकन की एक्सरसाइज है उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि ये 3 महीने से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए. प्लीज नॉमिनेट ए सीनियर ऑफिसर इन योर मिनिस्ट्री to take
the responsibility of ensuring the implementation of these orders and communicate his name to Ministry of Social Welfare. आप एक सीनियर ऑफिसर को आइडेंटिफाई करके उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर को प्रेषित करें. योर सिंसियरली एसडी इंदिरा गांधी. ये पत्र 14 जून 80 का है. आप समझ सकते हैं कि 16 मार्च को प्रारंभ हुए आंदोलन और उसके बाद सरकार से वार्तालाप और सरकार पर दबाव का परिणाम इस हद तक था कि प्रधानमंत्री को स्वयं पत्र सब डिपार्टमेंट्स को लिखना पड़ा और आइडेंटिफिकेशन का आदेश देना पड़ा. और चूंकि हमारी मांग थी कि ग्रुप ए से डी तक सब में आरक्षण होना चाहिए, इसलिए ग्रुप ए और बी का भी आइडेंटिफिकेशन करने की बात 14 जून 80 में की गई. आप अंदाज लगा लीजिए. उसके बाद जब ये काम शुरू नहीं हुआ, 3 महीने का समय दिया गया था आइडेंटिफिकेशन का, वो हुआ नहीं, तब 1 अगस्त से 5 अगस्त तक काम अनशन हुआ और 4 अगस्त की हमने आपको सिचुएशन बता दी कि 4 अगस्त को फिर किस तरह का समझौता हुआ. सबसे अब हम आगे बढ़ते हैं. ये पत्र मैंने आपको जो बताया, इसका उद्देश्य आपको इस बात का एहसास कराना था कि किस हद तक हम लोगों ने अपने आंदोलन ने, संघ के आंदोलन ने किस हद तक सरकार में ये जो आरक्षण न इम्प्लीमेंट किए जाने के कारण बेरोजगारी व्याप्त थी दृष्टिबाधितों में और दिव्यांगों में, उसको एक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में उसके समाधान को किस तरह से प्रधानमंत्री के स्तर पर पहुंचाया गया और उसी के परिणाम स्वरूप आगे के आदेश अभी आप पढ़ेंगे. उसी के क्रम में आपने 4 अगस्त का देखा. अब मैं पढ़ने जा रहा हूं 26 सितंबर 1980. 26 सितंबर 1980 का ये जो पत्र है वो डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का है, लेबर मिनिस्ट्री में. क्योंकि 4 अगस्त को आपको याद होगा कि लेबर मिनिस्टर, तत्कालीन लेबर मिनिस्टर ने हमसे समझौता किया था. और उनकी तरफ से बीजीईटी ने ये पत्र इशू किया है और ये टी अंजैया तत्कालीन श्रम मंत्री के द्वारा भेजा गया था. द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न ओवर द अनसेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट पोजीशन ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, पर्टिकुलरली द ब्लाइंड, डिस्पाइट several concessions granted to them for their rehabilitation. उसी पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने सबको अपनी चिंता से अवगत कराया था जो दिव्यांगों और विशेष रूप से दृष्टिबाधितों के रिहेबिलिटेशन न किए जाने के संबंध में थी, जबकि उनके रिहैबिलिटेशन के संबंध में बहुत से प्रावधान किए गए हैं. शी हैज इशूड डायरेक्टिव्स टू ऑल द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स विच कैन बी मैन्ड बाय द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस इंक्लूडिंग द ब्लाइंड एंड टू एंश्योर दैट रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड.
आपको याद होगा 14 जून के पत्र जो अभी मैंने पढ़ा उसमें आइडेंटिफिकेशन की बात कही गई थी और उन्होंने उसी का जिक्र करते हुए कहा टी एन जैया जी ने कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कहा था कि आप जॉब आइडेंटिफाई करें और ऑर्डर्स को रिजर्वेशन ऑर्डर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें. आई एम एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स लेटर डेटेड 14 जून 1980 ऑन द सब्जेक्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. वही पत्र जो अभी मैंने पढ़ा 14 जून का उसको उसकी कॉपी इसके साथ संलग्न की जा रही है. मोर रिसेंटली द प्रॉब्लम ऑफ अर्ली रिहेबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंड हैज बीन रेज्ड बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड. अभी हाल में ही राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने इस रिहेबिलिटेशन की इस समस्या को रेज किया है. अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन रिक्वेस्टेड टू नॉमिनेट एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी एज लाइजॉन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द लाइजॉन ऑफिसर ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी रैंक फॉर द रिटर्न ऑफ द मॉनिटरिंग सेल बींग सेटअप इन माई मिनिस्ट्री फॉर कीपिंग ए टास्क ए वॉच ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर्स फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरीज ऑफ पोस्ट. हर डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया गया था कि वो एक एक लेजा ऑफिसर डिप्यूट करे डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का जो और उसका नाम लेबर मिनिस्ट्री को सूचित किया जाए जहां पर एक मॉनिटरिंग सेल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ग्रुप सी और बी का जो कार्यान्वयन है रिजर्वेशन का उसको मॉनिटर करने के लिए वो सेल के लिए वो सारे जो लेजा ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट का है उसकी डिटेल भेजी जाए. द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू फुलफिल द रिजर्वेशन ऑर्डर्स. प्रधानमंत्री जी ने सभी डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्रीज को कहा था कि आरक्षण के आदेशों को इंप्लीमेंट करें कार्यान्वयन करें. दे हैव बीन आस्क्ड दैट फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस आर नॉट रिजेक्टेड ऑन फ्लिमसी ग्राउंड्स. निराधार या किसी आधारहीन ग्राउंड्स पर किसी को किसी फिजिकली हैंडीकैप को रिजेक्ट ना किया जाए. द इवेल्युएशन डन बाय वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन अबाउट देयर सुटेबिलिटी टू ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन मे बी टेकन एज फाइनल. वीआरसी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का काम इवेल्युएशन करने का है और वो सर्टिफिकेट दे देते कि वो किस चीज के लिए सुटेबल है असेसमेंट करके उनकी स्किल्स का. तो यही कहा कि अगर वीआरसी के पास किसी जॉब की सुटेबिलिटी के लिए उनका इवेल्युएशन है तो उसको अंतिम माना जाए. एफर्ट्स आर ऑल्सो अफुट टू कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अलॉन्ग विद अदर कंसर्न्ड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस पर्टिकुलरली द ब्लाइंड. का प्रयास जारी है. एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो बन गई थी बाद में उस सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनाए जो बार बार रिव्यू करती रहे प्लेसमेंट की स्थिति को फिजिकली हैंडीकैप्ड और विशेष रूप से दृष्टिबाधितों के प्लेसमेंट को रिजर्वेशन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का भी प्रतिनिधित्व हो. आई एम कॉलिंग ए मीटिंग ऑफ द मेजर एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्रीज एंड द प्राइवेट एम्प्लॉयर्स टू इम्प्रेस अपॉन देम द नीड टू एम्प्लॉय
the physically handicapped persons, particularly the blind, against suitable host with ultimate objective of absorbing all the blind persons registered at the 18 special employment exchanges functioning in the country. मैं एक बैठक सभी मेजर एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्रीज की बुला रहा हूँ, जिसका उद्देश्य यह है कि सभी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में 18 जो हैं थे उस समय, उसमें जितने लोग रजिस्टर्ड हैं उनको जॉब दिया जा सके. आई वुड ऑल्सो अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ योर अटेंशन to the finance minister's budget speech for the year 1980-81, announcing concession to encourage the employment of blind and handicapped persons in business and industries by allowing a weighted deduction of 133% salary paid to such persons by employers where such salary does not exceed ₹20,000 in a year. ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ये 1980 का फिगर है. आज के फिगर पर रखना चाहिएगा, उस समय सैलरीज इसी हिसाब से होती थी. तो उन्होंने कहा कि मैं एक बैठक बुला रहा हूँ सभी उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर के जो 1980-81 का बजट था उसकी ओर सबका ध्यान खींचा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन करने के लिए, जिसकी कल मैंने चर्चा की थी, 133% जो सैलरी डिसेबल्ड एम्प्लॉय को जो मिलती है उसका 133% तो सभी एम्प्लॉयज का डिडक्ट हो जाता है टैक्सेबल इनकम से एम्प्लॉयर की, लेकिन डिसेबल्ड के केस में 133% एक्स्ट्रा डिडक्शन की बात की थी ताकि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एनकरेज हो. वन ऑफ द सजेशंस मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशंस विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेशनल फेडरेशन of the blind was to give unemployment allowance of ₹60 per month. National Federation of Blind के प्रतिनिधियों के साथ बात में एक सजेशन आया था कि ₹60 per month सभी बेरोजगार दिव्यांगों को unemployment allowance के रूप में मिले. You will agree that the plight of blind person is no better than that of an old man. उन्होंने लिखा कि वृद्ध व्यक्ति से ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है एक ब्लाइंड की, क्योंकि उस समय वृद्ध को ही केवल पेंशन मिलती थी. Since majority of the states oblique union territories are giving pension to the old persons, I hope it will be possible to consider the suggestion of giving some financial assistance to the blind person also. मुझे लगता है कि क्योंकि अधिकतर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दे रहे हैं, तो ये उनके लिए पॉसिबल होगा कि सभी बेरोजगार दृष्टिबाधितों को कुछ अमाउंट पेंशन के रूप में ईयरली दिया जाए. यू मे ऑल्सो कंसिडर the feasibility of setting up an advisory committee of with a representative of the federation in which representative of federation national federation of blind may be co-opted to keep a watch on the progress of the rehabilitation of the physically handicapped persons. Central advisory committee ki baat kahi thi, usi tarah pe kaha ki aap इस फिजिबिलिटी को भी देखें कि स्टेट एडवाइजरी कमेटीज बनाएं जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के रिप्रेजेंटेटिव को कॉप्ट करें ताकि वो
प्लेसमेंट की सिचुएशन को मॉनिटर कर सके संबंधित राज्य में. यू विल एग्री दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू प्ले एन एक्टिव रोल इन देयर स्पीडी रिहैबिलिटेशन. आप ये सब ये मानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर्स को पता था कि स्टेट गवर्नमेंट को इस उनके दिव्यांगों के स्पीडी रिहैबिलिटेशन के लिए और ज्यादा सक्रिय रोल प्ले करना होगा. आई शुड बी ग्रेटफुल इफ यू काइंडली टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स फॉर अर्ली रिहैबिलिटेशन of the physically handicapped person, particularly the blind. मुझे मैं आपका अनुग्रहित रहूँगा यदि आप वो सारे उपाय करें जिससे कि दिव्यांगों और विशेष रूप से दृष्टिबाधितों का शीघ्रातिशीघ्र पुनर्वसन हो सके. I shall be grateful if you keep me informed of the action taken. मैं आपका बहुत अनुग्रहित रहूँगा यदि आप मुझे एक्शन टेकन से जो कार्रवाई आप करें उसको मुझे सूचित कर दें. विद काइंड रिगार्ड्स टी अंजैया. उस समय वो श्रम मंत्री थे. तो अब आपने देखा कि 4 अगस्त के बाद 14 जून, 4 अगस्त, इसके बाद ये लगातार ये प्रक्रिया सरकार के स्तर पर चलती रही. इसके बाद 8 दिसंबर 1980 का ऑफिस मेमोरेंडम कार्मिक विभाग ने निकाला और इस ऑफिस मेमोरेंडम में एक समस्या की ओर ध्यान दिया गया कि तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इससे बहुत समय जाया जाएगा कि 1977 के ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया था और उसके बाद 1979 के एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला था उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सभी विभाग रिक्विजिशन भेजते समय ये स्पष्ट उल्लेख करें अपने रिक्विजिशन में कि कौन सा पद किसके लिए आरक्षित है. लेकिन कोई भी विभाग उसका आदेश उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था. उसी की ओर ध्यान खींचते हुए कहा गया कि आप आगे से सभी अपने रिक्विजिशन में स्पेसिफिक रूप से कौन सा पद किसके लिए आरक्षित है यह जरूर रेखांकित करें. ये 8 दिसंबर 1980 का पत्र था. अब मैं तो आप देख रहे हैं कि लगातार हर पत्र में, हर ऑफिस मेमोरेंडम में और हर पत्र में दृष्टिबाधितों का जिक्र विशेष रूप से हो रहा है. अब मैं इस पत्र में एक बात और कही गई थी. इस पत्र में 8 दिसंबर का जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का है, उसमें उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स का जो डायरेक्टिव था प्राइम मिनिस्टर का 14 जून 1980 के पत्र के माध्यम से और उसके बाद जो 4 अगस्त के पत्र में भी मेंशन था, फिर सितंबर वाले पत्र में भी मेंशन था, तो उस आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया से संबंधित ये 8 दिसंबर का पत्र है और उसमें
कुछ वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने उस क्रम में जो मिनिस्ट्री जो आइडेंटिफाइड जॉब्स की लिस्ट और इन्फॉर्म की थी डीओपीटी को, एक कंसोलिडेटेड लिस्ट जो डीजीईएनटी ने बल्कि बनाई थी, उस बिना पर जो इंफॉर्मेशन आई थी, कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ जॉब्स ऑफ ग्रुप सी एंड डी पोस्ट सुटेबल फॉर ईच ऑफ द कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज जो हैं ब्लाइंड, डेफ और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, उस लिस्ट को इन्होंने इस लिस्ट के साथ, इस सर्कुलर के साथ सर्कुलेट किया था सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को। तो ये 8 दिसंबर 80 का ऑफिस मेमोरेंडम था। अब हम 9 जनवरी 1981 के पद पे आते हैं, जब ये आंदोलन 1 जनवरी से फिर शुरू हुआ, क्योंकि तब तक कोई गति नहीं पकड़ी थी जॉब्स की रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन के संबंध में गति नहीं पकड़ी गई थी। हाँ, आइडेंटिफिकेशन हो गया था, आइडेंटिफिकेशन को नोटिफाई भी कर दिया गया था। ये 9 जनवरी 81 का जो पद है, ये होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का है, कार्मिक और प्रशासनिक और हाँ प्रशासनिक सुधार विभाग का ही, उस समय इसका नाम न्यू दिल्ली। ये 9 जनवरी 1981 का है ये ऑफिस मेमोरेंडम। मैं पढ़ता हूँ, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इनवाइट ए रेफरेंस टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड AR OM नंबर 39016/77 EST (C), डेटेड द 4th November 1977, इन विच 3% ऑफ वैकेंसीज इन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट इंक्लूडिंग 1% for the blind persons under the central government have been reserved. It has been observed that the intake of blind persons in the recruitment has been negligible. It was therefore decided to identify jobs which can be entrusted entirely to handicapped persons, including the blind persons. Accordingly, orders as contained in DPAR OM number 39016/24-80 EST (C) dated 8 December 1980 were issued. The following jobs have been identified for the blind person. अब ये blind persons की job की पहली list है। अब सुनिए, blind announcers at railway stations, bus stops and airports, cane weavers, instrumentalists, staff artists to All India Radio, masseurs, musicians, music teachers, office superintendents, packers, stenographers with dictaphone and digital typewriters, teachers in bracket में primary teachers, telephone operators, a small board with electronics beep and embossed digits, lathe operators, press operators, stampers, weavers, packers, drillers, fitters, chippers, teachers in special science, partially blind, dark messengers, dispatch clerk, gardeners,
गैस्ट्रेटनर ऑपरेटर्स उस समय ये होता था स्टेंसिल्स कटती थी, वो साइक्लोस्टाइल होती थी, उसको गैस्ट्रेटनर ऑपरेटर करते कहते थे जो ये काम करते थे। रिटायरिंग रूम अटेंडेंट्स, स्वीपर्स, वाटरमैन, वेटिंग रूम अटेंडेंट्स, लॉटरी टिकट सेलर्स, सो ये जॉब्स उस समय शुरू में आइडेंटिफाई करके तुरंत ताकि इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो ये जॉब्स नोटिफाई की गई केंद्र सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा। अब आप अंदाज लगाइए कि 1980 में प्राइमरी टीचर्स और टीचर्स पहली बार रिकग्नाइज कराए गए, आइडेंटिफाई कराए गए, स्टेनोग्राफर्स पहली बार कराए गए, और टेक्निकल लोग जो उस समय लाइट इंजीनियरिंग के लोग ट्रेनिंग करते थे, लेथ मशीन ऑपरेटर्स, ये सब पहली बार कराया गया। और इसी का परिणाम था कि इसके बाद जॉब्स में कुछ तेजी आई और लोग लगना शुरू हुए। अब मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका मैंने कल जिक्र किया था और ये अंतिम आज के लिए है, 19 जनवरी 1981, 1 जनवरी से 25 जनवरी तक आंदोलन चला था हमारा, उसी दौरान ये कुछ डेवलपमेंट हुए, उसके परिणाम स्वरूप इस पर आते हैं। 19 जनवरी 1981 और ये वही डॉक्यूमेंट है जिसमें जो तत्कालीन योजना और श्रम मंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एड्रेस किया था, और इसमें आप पाएंगे कि जो श्रम मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी थी जिसमें सारे स्टेट लेबर मिनिस्टर्स थे, उसमें एक एजेंडा था हमारे रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का, और जितने लोग स्पेशल, जो हमारी मांग थी कि जितने भी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उन सबको एक विशेष भर्ती अभियान चलाकर आरक्षण के विरुद्ध उनको जॉब दी जाए। उस स्टेट लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग कमेटी में जो फैसला हुआ, हमारी इस मांग को माना गया, उसी के संबंध में यह पत्र मैं पढ़ता हूं। सब्सिक्वेंट टू ए रेलेवेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, ए मीटिंग ऑफ द सब कमेटी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द स्टेट लेबर मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन दिस मिनिस्ट्री ऑन 12th of January 1981, in which the following decisions were taken in regard to rehabilitation of the physically handicapped persons, particularly the blind. Prime Minister का जो 14 जून का पत्र था उसके उसको रेफर करते हुए कहा कि उस कम्युनिकेशन के बाद स्टेट लेबर मिनिस्टर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी सब कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसमें दिव्यांगजनों और विशेष रूप से दृष्टिबाधितों के रिहैबिलिटेशन पर निम्नांकित फैसले लिए गए। ए स्पेशल ड्राइव शुड बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1981 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्संस टू प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल द ब्लाइंड पर्संस रजिस्टर्ड विद द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस फॉर फिजिकली हैंडीकैप। 1981 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाकर जो लोग
स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितने भी दिव्यांग रजिस्टर्ड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में बी आस्क्ड टू गिव ए प्रायोरिटी अटेंशन टू दिस मैटर. इस मामले पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को कहा जाए कि वे विशेष ध्यान दें. द प्राइवेट सेक्टर में ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस स्पेशल ड्राइव. निजी क्षेत्र को भी इस विशेष भर्ती अभियान में शामिल किया जाए. ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन ब्लाइंड पर्सन अगेंस्ट वैकेंसीज सुटेबल फॉर देम व्हिच मे अराइज एवरी मंथ सो एज टू फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड कोटा. प्रत्येक विभाग हर महीने जो वैकेंसी अराइज होती हैं उसमें से कम एक ब्लाइंड को सुटेबल जॉब के अगेंस्ट अपॉइंट करे ताकि जो कोटा है उनके लिए वो पूरा किया जा सके. द रिटेनिंग ऑफ चेयर्स शुड बी डन ओनली थ्रू ब्लाइंड पर्सन्स एंड वेयर देयर इज सफिशिएंट वर्कलोड ए रेगुलर पोस्ट ऑफ चेयर रिटेनर मे बी क्रिएटेड एंड फिल्ड अप बाय ए सुटेबल पर्सन फ्रॉम अमंग्स द ब्लाइंड. रिटेनिंग ऑफ चेयर्स का काम, कुर्सी बुनाई का काम केवल दृष्टिबाधितों से लिया जाए और जिन विभागों में चेयर रिटेनिंग का काम काफी है वहां पर एक पद चेयर रिटेनर का क्रिएट करके उस पर केवल दृष्टिबाधित को ही अपॉइंट किया जाए. आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू इफ यू काइंडली इशू सुटेबल इंस्ट्रक्शंस टू योर मिनिस्ट्री ऑफ दिस डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस. मैं बहुत अनुग्रहित होऊंगा कि अगर आप इन निर्णयों को पूरा करने के लिए उचित निर्देश अपने डिपार्टमेंट्स को निर्गत करें. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू काइंडली टू वॉच द प्रोग्रेस पर्सनली एंड अरेंज टू सेंड ए रिपोर्ट टू दिस मिनिस्ट्री अबाउट द नंबर ऑफ blind handicapped persons provided jobs in your ministry oblige state governments every quarter for information of the prime minister. mujhe main anugrahit karunga yadi aap lagatar mujhe apne vibhag mein ya rajya mein kitne blind ya orthopedic ya dusre divyang appoint hain uski suchna dete. your sincerely एस डी श्री नारायण दत्त तिवारी. तो साथियों आपने देखा कि 1980 से 1981 के प्रारंभ तक किस तरह से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ आंदोलनों के माध्यम से और ये राष्ट्रीय एजेंडा बना और उस राष्ट्रीय एजेंडे के कारण जो 1977 से आरक्षण के आदेश थे वो अनइम्प्लीमेंटेड थे लेकिन वो जो ग्राउंड वर्क हुआ और ये निर्देश बड़े स्तर पर निकले और प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं उसको मॉनिटर कर रहा था, श्रम मंत्रालय. और एक सबसे बड़ी बात ये थी जो हमने प्रयास शुरू से किया अपनी मांग में कि जो जिस विभाग का काम है वो उस विभाग को करना चाहिए, केवल सोशल वेलफेयर पर नहीं छोड़ना चाहिए. आप देखिए एम्प्लॉयमेंट का काम लेबर का काम है, डीओपीटी का काम है, इसलिए डीओपीटी और लेबर को ही इसमें ज़्यादा भूमिका दी गई, सोशल वेलफेयर को केवल कंसल्टेटिव. और उसी का परिणाम था कि उसके अच्छे परिणाम हुए. 1980 के उत्तरार्ध और 1981 में काफ़ी जॉब्स लगी. मैं आपको बताऊँ कि इन आदेशों के परिणाम स्वरूप सबसे पहले 3 लोग योजना मंत्रालय में एनडी तिवारी जी ने स्वयं करवाए. उनके नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, श्री राम, हीरा लाल और रोशन, ये तीनों पचपियाँ से. इसी तरह श्रम मंत्रालय में लगवाए वैशाखी और भी 2-3 लोग थे. तो उसके बाद हर विभाग में एक्सटर्नल अफेयर्स में
लगे, डिफेंस में लगे, आर्मी बेस वर्कशॉप में लगे, डीटीसी में लगे, कोई विभाग शायद ही ऐसा हो जिसमें उस दौरान नहीं लगे। तो इस तरह से ग्रुप डी में जो जॉब्स की शुरुआत थी वो हुई और इस जॉब आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे राज्यों में टीचर्स ने अपॉइंटमेंट के लिए, प्राइमरी टीचर्स ने अपॉइंटमेंट के लिए संघर्ष का रास्ता और संघर्ष का प्लेटफॉर्म। कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको आरक्षण की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अभिषेक चूंकि कोई प्रश्न है नहीं तो आज इतना ही, कल तक के लिए आगे चाहूंगा। बहुत बहुत